हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है राउटर तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि राउटर क्या होता है राउटर का एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है राउटर डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे यूज करते हैं ठीक है सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि राउटर क्या होता है राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क विद द इंटरनेट इज कॉल्ड राउटर डिवाइस फ्रेंड राउटर जो होता है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है और इसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो अगर आपको रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपको वहाँ पे राउटर का यूज़ करना होगा ठीक है और राउटर के थ्रू ही आप सिमिलर और डी सिमिलर टाइप के नेटवर्क को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगा कि कैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ठीक है ठीके? अगला पॉइंट से राउटर फाइंड द बेस्ट पाथ टू फाइंड द डाटा पैकेट टू द रिसीवर राउटर जो होता है बेस्ट पाथ फाइंड करता है नेटवर्क में डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए रिसीवर के पास ठीक है अगला पॉइंट से राउटर रिसीव द डाटा पैकेट फ्रॉम द सेंडर एंड ट्रांसफर दोज डाटा पैकेट टू द रिसीवर बाय द एनालाइजिंग द बेस्ट पाथ राउटर क्या करता है नेटवर्क में डाटा पैकेट रिसीव करता है सेंडर से उसके बाद उस डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ एनालाइज करता है देन उस डाटा पैकेट को डेस्टिनेशन मशीन तक सेंड कर देता है तो यही काम करता है नेटवर्क में हमारा राउटर ठीक है चलो हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि फ्रेंड तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल्स है राउटर का देखो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है दोनों अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है अब इन दोनों नेटवर्क को मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे राउटर डिवाइस का यूज़ करूंगा ठीक है अब क्या करूँगा इस लोकल एरिया नेटवर्क को राउटर से कनेक्ट कर दूंगा और इस लोकल एरिया नेटवर्क को राउटर से कनेक्ट कर दूँगा ठीक है अब ये दोनों नेटवर्क जो है राउटर से कनेक्ट हो गए हैं अब इस राउटर को मैं क्या करूँगा इंटरनेट से कनेक्ट कर दूंगा तो अब क्या होगा ये दोनों नेटवर्क जो है राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो यही काम होता है राउटर का सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना ठीक है अब देखो इसमें जो कंप्यूटर डेटा सेंड करता है तो कैसे ट्रांसफ़र होता है डेटा और कैसे सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक जाता है मान लो कि यहाँ से पी सी वन डेटा सेंड करना चाहता है पी सी सेवन को ठीक है तो यहाँ से क्या होगा जैसे ये पी सी वन डेटा सेंड करता है तो यहाँ से डेटा निकलेगा ठीक है उसके बाद ये डेटा चला जाएगा राउटर के पास मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड डेटा है ठीक है ये एक्स वाई डेटा डेटा हब के थ्रू राउटर के पास आ जाएगा एक्स वाई जेड डेटा ठीक है अब ये डेटा को क्या करेगा राउटर स्टोर कर लेगा और उसके बाद इस डेटा को सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ चूज करेगा इसके पास मल्टीपल पाथ होते हैं ठीक है अब वो चेक करेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है मतलब कि कौन सा पेथ खाली है कि जल्द से जल्द डेटा ट्रांसफ़र हो जाए सोर्स डेस्टिनेशन मशीन तक ठीक है तो अगर मान लो ये पाथ जो है कंजस्टेड होगा तो इससे भी नहीं भेजेगा ठीक है ये पाथ अगर उसको चेक करेगा ये भी कंजस्टेड होगा इससे भी नहीं भेजेगा अगर ये पाथ चेक करेगा राउटर अगर ये राउटर को बेस्ट पाथ मिल गया मतलब कि ये खाली पाथ मिल गया तो ये एक्स वाई जेड जो डेटा है इसी पाथ के थ्रू क्या करेगा ट्रांसफ़र कर देगा इस मशीन के पास डेस्टिनेशन मशीन के पास और डेटा आसानी से इस मशीन के पास आ जाएगा राउटर इस डेटा को सेंड करने के लिए राउटिंग टेबल का मेंटेन करता है नेटवर्क पे यह एक राउटिंग टेबल होता है इस राउटर के पास क्या करता है इन सभी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होल्ड करके रखता है और उस आई एड्रेस के थ्रू ही डेटा को सेंड कर देता है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक ठीक है अब चलो हम आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं राउटर का फ्रेंड राउटर का एडवांटेज पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है इस प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन सिमिलर एंड डी सिमलर टाइप ऑफ नेटवर्क ठीक है राउटर जो होता है राउटर का बेस्ट एडवांटेज पॉइंट यह है कि सिमिलर और डी सिमलर टाइप का जो नेटवर्क है उसको कनेक्शन करने का हमें फैसिलिटी देता है ठीक है अगला पॉइंट से डाटा ट्रांसमिशन इज वेरी हाई राउटर के थ्रू जब इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर होता है तो वेरी हाई होता है मतलब कि जल्द से जल्द डाटा ट्रांसफर हो जाता है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक अगला पॉइंट से इट यूज राउटिंग टेबल टू फाइंड द बेस्ट पाथ राउटर जो होता है राउटिंग टेबल को यूज करता है बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए जब भी राउटर डेटा को सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक ट्रांसफर करता है तो वह राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है अगला पॉइंट से इट प्रोवाइड वायर एंड वायरलेस फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग टू नेटवर्क राउटर जो होता है यह प्रोवाइड करता है वायर एंड वायरलेस फैसिलिटी दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ठीक है हमारा डिसएडवांटेज पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट मोर एक्सपेंसिव डिवाइस कंपेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइस फ्रंट जो हमारा राउटर होता है यह ज़्यादा महंगा होता है अदर डिवाइसेस से ठीक है तो इसको इंस्टॉल करना थोड़ा आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा अगला पॉइंट से इट इज़ कम्प्लेक्स टू कन्फिगर एंड मैनेज राउटर को कन्फिगर करना और मैनेज करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्यों क्योंकि यह इसके लिए आपको एक इन इंजीनियर हायर करना पड़ेगा आपको एक एक्सपोर्ट हायर करना पड़ेगा और उसको आपको सैलरी देना पड़ेगा ठीक है तो ये ज़्यादा कंप्लेक्स होता है इंस्टॉल करना और मैनेज करना अगला पॉइंट से सिक्योरिटी प्रॉब्लम राउटर जो होता है इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है जब भी हमारा डेटा इंटरनेट पर जाता है राउटर में तो ये डेटा लॉस भी हो सकता है और सेफ भी रह सकता है इसका कोई गारंटी नहीं होता है हमारे डेटा का ठीक है तो फ्रेंड ये था हमारा राउटर का डेफिनेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर फर्स्ट टीम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू